आज इसके अंदर बात करते हैं जूलॉजी में आपके, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर आपको बताया था, इसके अंदर एनिमल जो है पेट्रोमाइजोन, इसमें आपको बताया गया था स्किन या त्वचा के बारे में, जिसमें इसके अंदर आपको बताया गया था इसके अंदर स्किन या त्वचा होती है, दूसरा भाग इसके अंदर पेशियां और तीसरा कंघा। फर्स्ट इसके अंदर आप बात करते हैं स्किन के बारे में। स्किन जो होती है इसके अंदर इसकी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न और कोशिकाओं के विभिन्न इसके अंदर मल्टीपल लेयर पाई जाती है, कोशिकाओं की अलग अलग प्रकार की परत, डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की इसके अंदर विभिन्न परत पाई जाती है, सॉफ्ट होती है कोमल, और इसके अंदर त्वचा जो होती है स्मूथ या चिकनी होती है, जो इसके अंदर पेट्रोमाइसोन इसका एनिमल में पाई जाती है। इसके लिए त्वचा के इसके दो भाग होते हैं, एक होती है एपिडर्मिस या जिसे कहा जाता है अधिचर्म। एपिडर्मिस से अधिचर्म जो है इसमें इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड या म्यूकस ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड और म्यूकस ग्रंथियां इसके अंदर एपिडर्मिस या अधिचर्म भाग में पाई जाती है। क्योंकि त्वचा के दो भाग होते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस, एक भाग होगा एपिडर्मिस जिसमें इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड या ग्रंथियां पाई जाती है जो कि स्लाइम का सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन करती है या स्राव करती है स्लाइम, और स्लाइम जो है इसके अंदर एक गाढ़ा द्रव होता है जो कि म्यूकस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। गाढ़ा इसके अंदर द्रव होगा जो कि एपिडर्मिस में ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। इसके बाद में सेकंड जो पार्ट होता है इसके अंदर, जिसको डर्मिस या जिसको चर्म भाग कहा जाता है, त्वचा का सेकंड जो पार्ट है डर्मिस यह जिसको चर्म भाग कहा जाता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जो पाए जाते भाग कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर या तंतु। कोलाजन तंतु पाए जाते हैं और इलास्टिक इसके अंदर कह सकते हैं फाइबर या तंतु पाए जाते हैं जो कि डर्मिस भाग में पाए जाएंगे। कोलाजन जो होता है इसके अंदर जो शरीर में पाए जाने वाला प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जंतु के शरीर में कोलाजन जो होता है। तो कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर जो है वह इसके अंदर इसके डर्मिस भाग में पेट्रोमाइजोन में पाए जाते हैं। मनुष्य में भी इसका सबसे ज्यादा पाया जाता है, मनुष्य में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलाजन होता है जो कि इसके अंदर कोलाजन तंतु और इलास्टिक तंतु जो है वह पेट्रोमाइसोन की त्वचा के डर्मिस भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा डर्मिस भाग में इसके अंदर और कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं संरचनाएं पाई जाती है, चर्म भाग की बात करें डर्मिस की बात करें तो इसमें इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर्स, और क्रोमेटोफोर जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके कारण क्रोमेटोफोर जो होते हैं इसके कारण त्वचा कहीं पर तो डार्क दिखाई देती है और कहीं पर लाइट या इससे हल्के रंग में पाई जाती है।
लाइट कलर की दिखाई देती है, कहीं पर इसके अंदर कह सकते हैं डार्क कलर में पाई जाती है, क्योंकि क्रोमेटोफोर है कलर प्रदान करेगी, तो वहां पर जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं जाएंगे ये क्रोमेटोफोर माइग्रेट करके वहां पर डार्क होगा, और जहां पर नहीं होगा वहां पर लाइट दिखाई देती है। त्वचा जो इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर स्किन जो होती है वह इसके अंदर लाइट या हल्के रंग की दिखाई देती है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यू या जो ऊतक है सब क्यूटेनियस टिश्यू की इसके अंदर लेयर या परत पाई जाती है। इस परत में इसके अंदर पाए जाते हैं तो इसके अंदर संयोजी ऊतक वसा या फैट और उसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स या रक्तवाहिका है जिसको कहा जाता है, ब्लड वेसल या रक्तवाहिका पाई जाती है। तो सबक्यूटेनियस जो इसके टिश्यू की लेयर होती है जो कि डर्मिस भाग में, उसमें संयोजी ऊतक है, फैट है और ब्लड वेसल्स या रक्तवाहिका पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्रोमेटोफोर होते हैं वह क्रोमेटोफोर कहां पर पाए जाते हैं, इसकी स्थिति की बात करें मस्कुलेटर जिसे पेशी न्यास कहते हैं, पेशियों की लेयर या जिसे पेशीय परत भी कहा जाता है, और इसके अंदर डर्मिस के बीच में जो चर्म भाग होता है उसके बीच में पाई जाती है। तो डर्मिस और चर्म भाग और जो मस्कुलेटर लेयर होती है उसके बीच में इसके अंदर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। इसके अलावा डर्मिस जो भाग है उसमें पिगमेंट सेल भी पाई जाती है, पिगमेंट सेल से जिसे कहा जाता है वर्णक कोशिका उपस्थित होती है। तो डर्मिस भाग में तो ग्लैंड पाई जाती है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर म्यूकस का सिक्रीशन इसके अंदर कह सकते हैं म्यूकस ग्लैंड है, स्लाइम का सिक्रीशन करती है, और उसके अलावा और भी इसके अंदर वो प्रकार की ग्लैंड भी उसमें पाई जाएगी। लेकिन जो चर्म भाग होता है वह तंतु का बना होता है, इलास्टिक और कोलाजन तंतु, उसके अलावा उसमें क्रोमेटोफोर है या सबक्यूटेनियस जो टिश्यू या ऊतक पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर इसमें अलग अलग प्रकार से इसके अंदर ऊतक भी हैं, फैट भी होती है और इसके अंदर रक्तवाहिकाएं भी पाई जाएगी। उसके अलावा पिगमेंट जो सेल होती है वो डर्मिस भाग में पाई जाती है, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, ये इसके अंदर कह सकते हैं जो संरचना है त्वचा का, इसके अंदर कह सकते हैं एपिडर्मिस से नीचे वाला जो भाग होता है डर्मिस या जिसको चर्म भाग कहा जाता है। सेकंड इसके अंदर जो पार्ट है इसके अंदर इंटरनल एनाटॉमी की बात करें जंतु की आंतरिक संरचना में, इसका स्किन होगी जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलकर बनी है, बाहर इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है, अंदर अब इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड जो पार्ट होता है डर्मिस के अंदर जिसको कहा जाता है मस्कुलेटर या पेशी न्यास। सेकंड पार्ट जैसे मस्कुलेटर या जिसे कहा जाता है पेशी न्यास, यह जो परत है इसमें वह गमन में मदद करती है, मूवमेंट में, क्योंकि इसमें मसल्स या पेशियां पाई जाती है। इनमें मसल्स पाई जाती है। पेशी न्यास जो है वह लेयर जो होती है वह इसके अंदर इसमें मूवमेंट या गमन में मदद करती है, क्योंकि इसमें पेशियां पाई जाती है। और पेशियां इसके अंदर मुख्य रूप से किस भाग में पाई जाती है, ट्रंक एंड टेल, धड़ और पूंछ भाग में, मसल से पेशियां पाई जाती है ट्रंक और टेल भाग में, जो कि मूवमेंट में मदद करती है। और ट्रंक और टेल भाग में भी इसके अंदर कह सकते हैं कहां पर पाई जाती है, मायोटोम्स, उपस्थित होती है। मायोटोम्स जो होता है इसके अंदर उसमें मसल्स या पेशियां उपस्थित होती है, जो कि आपको एम्फियोक्सिस या जो इसके एनिमल है ब्रैंकियोस्टोमा उसमें भी बताया गया था कि मायोटोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि बंडल होते हैं मसल्स के, तो उसमें मसल्स या पेशियां उपस्थित होगी। ये भाग जो होता है धड़ और पूंछ भाग में, और वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं मूवमेंट में मदद करता है। तो मायोटोम जो होते हैं उसी की तरह मायोकोमा, मायो
कोमा द्वारा सेपरेट रहते हैं। कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ट्रंक और टेल भाग में पाई जाने वाला इसके अंदर कह सकते हैं जो मसल्स या पेशियां हैं वह मायोटोम में पाई जाती है, जैसे अल्टरनेट रूप में इसमें भी मायोकोमास या मायोकोमेटास जिसको कहा जाता है वह पाए जाते हैं, और ये मूवमेंट में या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें गमन में या मूवमेंट इसके अंदर कह सकते हैं करवाने में मदद करती है ये जो पेशियां इसमें पाई जा रही है। उसके अलावा इसके अंदर जो मायोटोम्स होते हैं, मायोटोम्स को आगे और डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, इसमें पाए जाने वाले हॉरिजॉन्टल सेप्टम द्वारा, मतलब मायोटोम जो इसके अंदर एक मायोटोम की बात करें तो उसमें हॉरिजॉन्टल इसके अंदर सेप्टम पाया जाता है। सेप्टम मतलब इसके अंदर कह सकते हैं बीच में इसके अंदर पाया जाने वाला भाग, जैसे इसके अंदर एक मायोटोम है इसके बीच में इसके अंदर कह सकते हैं इसको डिवाइड करने वाला जो भाग होगा, या जैसे हार्ट में पाया जाता है, हार्ट में जिस प्रकार से इसके अंदर पाया जाता है जो चार भाग होते हैं इसमें बीच में से इसको सेपरेट करना है, उस प्रकार से मसल्स में भी इसके अंदर कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल सेप्टम पाया जाता है, और उसको इसके अंदर डॉर्सल और वेंट्रल इसके अंदर कह सकते हैं पेयर या जोड़े में डिवाइड करता है। तो मायोटोम को भी और डिवाइड किया जा सकता है हॉरिजॉन्टल सेप्टम के द्वारा, डॉर्सल और वेंट्रल पेयर में, पृष्ठ और इसके अंदर कह सकते हैं जो अदर इसके अंदर कह सकते हैं जोड़े होते हैं उसमें विभाजित किया जा सकता है मायोटोम्स जहां पर मसल्स या पेशियां पाई जाती है। तो इसमें जो मुख्य रूप से दो प्रकार की जो मसल्स है पेशियां हैं, दो प्रकार की जो क्या क्या इसके अंदर कार्य करती है, जैसे सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट इसके अंदर मसल्स होती है या जिसको इसके अंदर कहा जाता है, दो प्रकार की मसल्स इसके अंदर पाई जाती है, एक तो है रेडियल मसल्स या जिसे कहा जाता है अरीय पेशियां, जो बक्कल फनल है या जिसको मुख कीप कहा जाता है, बक्कल फनल के द्वारा ब्लड को जो सक किया जाता है, सकिंग इसके अंदर की जाती है, वह सकिंग इसके अंदर बक्कल फनल में जो सक इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड को किया जाता है, वह इसके अंदर सकिंग जो मूवमेंट किया जाता है वह रेडियल पेशियों के द्वारा किया जाता है, सकिंग मूवमेंट ब्लड को सक करना। तो सकर जो इसके अंदर कह सकते हैं सकर के रूप में जो इसमें फिमरी पाए जाते हैं जुड़ने के लिए, तो जो सकिंग एक्शन है ब्लड को इसके अंदर कह सकते हैं लेने की क्रिया है बक्कल फनल के द्वारा वह रेडियल मसल के द्वारा की जाती है। दूसरी होती है इसके अंदर स्मॉल प्रोट्रैक्टर और उसके साथ साथ में पाई जाती है लार्ज रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर और छोटी इसके अंदर प्रो ट्रैक्टर, ये मसल्स या पेशियां हैं जो कि इसके अंदर टंग या जीभ का मूवमेंट करवाते हैं। टंग या जीभ को मूव करना है एक स्थान से इसके दूसरे स्थान पर, अंदर या बाहर जब मूव करना है उसको मूव करवाने का कार्य, गमन करवाने का कार्य, या इसके अंदर कह सकते हैं उसमें जो मूवमेंट होता है मूव या इसके अंदर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे या पीछे करना है, तो वह इसके अंदर मूवमेंट जो होता है स्मॉल प्रोट्रैक्टर और लार्ज रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये पेशियां टंग के लिए और रेडियल मसल बक्कल फनल में सकिंग इसके अंदर मूवमेंट करने के लिए। थर्ड इसके अंदर इसमें पाया जाता है स्केलेटन या जिसको कहा जाता है कंकाल, थर्ड इसके अंदर पाया जाएगा स्केलेटन या जिसे कहा जाता है कंकाल। कंकाल इसके अंदर जो पाया जाता है उसमें बोन्स उपस्थित नहीं होती है। पेट्रोमाइजोन की बात करें त्वचा की, शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं त्वचा है पेशियां हैं, पेशियां तो आपको बता दी दो प्रकार की मुख्य रूप से हैं, और वह किस प्रकार की होती है मायोटोम में इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पाई जाती है, और जो इसके अंदर स्किन या त्वचा होती है एपिडर्मिस और डर्मिस से बनती है,
तीसरा जो भाग होता है पेट्रोमाइजोन के शरीर का जो आंतरिक संरचना में कंकाल या इसको स्केलेटन कहा जाता है, उसमें बोन्स या इसके अंदर अस्थियां उपस्थित नहीं होती है। मुख्य रूप से इसके अंदर स्केलेटन या कंकाल के दो भाग होते हैं, दो भागों से बनता है, एक तो नोटोकॉर्ड और एक होते हैं कार्टिलेज, या इसे कहा जाता है उपास्थि। नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु और उपास्थि दोनों मिलकर इसके अंदर जंतु के शरीर का कंकाल बनाते हैं। नोटोकॉर्ड सबसे पहले इसके अंदर, नोटोकॉर्ड जो होती है इसके अंदर, इसमें वह पूरे जीवन पर पाई जाती है, थ्रू आउट लाइफ पूरे जीवन पर उपस्थित होती है। एक्सियल स्केलेटन या जिसे कहा जाता है अक्षीय कंकाल, जैसे आपके शरीर में अक्ष जो बनाना है या इसके अंदर जंतु के शरीर को सीधा खड़ा करना, यदि मनुष्य को जैसे सीधा खड़ा करना है तो उसमें जैसे वर्टिकल कॉलम में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसी प्रकार से इसके अंदर इसमें जो अक्षीय कंकाल होता है वह इसके अंदर पृष्ठ रज्जु के रूप में या नोटोकॉर्ड के रूप में पाया जाता है। पूरे जीवन में रोगी अक्षीय कंकाल का इसके अंदर निर्माण करती है नोटोकॉर्ड जो इसके अंदर पाई जा रही है। तीसरा इसके अंदर है जो नोटोकॉर्ड की संरचना है और कार्य है ब्रैंकियोस्टोमा के समान होते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा के समान। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है उसके जिस प्रकार से नोटोकॉर्ड उसका संरचना और कार्य होते हैं उसी प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं पेट्रोमाइजोन में पाए जाएंगे। सेकेंड पार्ट हुआ इसमें कॉर्टिलेज, कॉर्टिलेज इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन सी संरचनाएं इसके जंतु के कंकाल में बनाता था। तो कॉर्टिलेज की बात करें या जिसको कहा जाता है उपास्थि, जो कि बोन्स या आंतियों की तुलना में सॉफ्ट होती है, कॉमन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसकी तुलना में इसके अंदर कह सकते हैं इतनी हार्ड नहीं होती है। तो बोन्स जो हार्ड होती है यह इसके अंदर कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होती है, चेंज इसके अंदर हो सकती है, जंतु या मनुष्य में भी अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। तो कॉर्टिलेज या उपास्थि पेट्रोमाइजोन में इसके अंदर कहां कहां पर पाई जाती है, फर्स्ट इसके अंदर बात करें तो एक तो होती है न्यूरल आर्च, न्यूरल या तंत्रिका आर्च जिसको कहा जाता है, ये पाई जाती है नर्व कॉर्ड या तंत्रिका, इसको सपोर्ट प्रदान करती है तंत्रिका रज्जु, या इसके अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है उसको सपोर्ट प्रदान करने का कार्य न्यूरल आर्च के द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रकार की उपास्थि होती है, कॉर्टिलेज होती है, और इसका स्थान कहां पर पाई जाएगी है नर्व कॉर्ड, ठीक है। सेकंड इसके अंदर होगी, सेकंड इसके अंदर उपास्थि जो है वह एक होती है क्रेनियम और दूसरा होता है स्कल, या जिसको कहा जाता है कपाल, क्रेनियम क्रेनियम और स्कल जो होते हैं इसके अंदर वो कहां पर होते हैं ब्रेन के इसके अंदर कह सकते हैं चार भाग, स्कल स्कल के ऊपर होता है क्रेनियम जो कि ब्रेन की सुरक्षा करता है, ब्रेन के चार भाग वह किसका बना होता है उपास्थि। थर्ड इसके अंदर हो जाएगा ब्रैंकियल बास्केट, ब्रैंकियल बास्केट ब्रैंकियल वर्ड जहां भी आता है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ब्रैंकियल जैसे या पल्मोनरी जहां भी आता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होगा। तो ब्रैंकियल बास्केट इसके अंदर कह सकते हैं वो सुरक्षा करता है, या इसके अंदर कह सकते हैं ये पाया जाता है इसके अंदर गिल्स, गिल्स की बात करें तो उसको सपोर्ट प्रदान करने का कार्य ब्रैंकियल बास्केट के द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रकार की उपास्थि होती है। तो ब्रैंकियल बास्केट है, क्रेनियम, स्कल, न्यूरल आर्च ये उपास्थि है और ये इसकी पोजीशन है जहां पर ये पाए जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, फोर्थ हो सकता है इसके अंदर लिंगुअल, ये उपास्थि इसके अंदर जो होती है या कॉर्टिलेज जो होती है लिंगुअल, ये इसके अंदर आपकी पाई जाएगी टंग या जीभ।
इसकी इसके अंदर कह सकते हैं जीव एटम की उपस्थिति होगी। फिफ्थ होगी इसके अंदर एन्यूलर, ये होती है वक्र फनल के चारों, ये इसको कहा जाता है कीप, इसको चारों ओर से कवर करती है, घेरने का कार्य करती है, या बकल फनल में जो सराउंडिंग में पाई जाने वाली उपास्थि होगी जिसको एन्यूलर इसके अंदर कॉटिलेज कहा जाता है। लास्ट में इसके अंदर कह सकते हैं जो कॉटिलेज है उपास्थि पाई जाती है, जो हर्ट में भी इसके चारों ओर पाई जा रही है और उसके पेरिकार्डियम के चारों ओर। जो संरचना बनी होती है वो बोन्स के नहीं होकर जो हर्ट है उसको चारों ओर से कवर करने वाली संरचना पेरिकार्डियम, इसके चारों ओर हर्ट और हृदय और पेरिकार्डियम जो होता है इसके अंदर इसको जो कवर कर रहा है उसके चारों ओर भी उपास्थि का आवरण पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है। तो छह अलग अलग स्थानों पर इसके अंदर, इसमें इसके अंदर कंकाल की बात करें तो उपास्थियां पाई जाती है, क्रेनियम या एस्कल होती है, न्यूरल आर्च या नर्वस सिस्टम में जो नर्व कॉर्ड है वहां पर, ब्रैंकियल बास्केट गिल्स में, बकल फनल में, एन्यूलर होती है, लिंगुअल कॉटिलेज होती है इसके अंदर टंग में, और कॉटिलेज जो कि हर्ट के चारों ओर पेरिकार्डियम के चारों ओर वह भी बोन्स की नहीं होकर कॉटिलेज की बनी होती है, और इसमें नोटोकॉर्ड जो पाई जाती है वह इसके अंदर ब्रैंकियोस्टोमा के समान होगी। ये तो इसके अंदर कह सकते हैं इसके कॉटिलेज के बारे में जो कि इसका कंकाल होता है। अन्य इसके अंदर कह सकते हैं और इसके अंदर कह सकते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है जंतु के शरीर में, पेट्रोमाइसोन की यदि बात करें, पेट्रोमाइसोन जो एनिमल होता है वह मुख्य रूप से आपको बताया जाता है इसके अंदर फिश पर फीड करता है, फिश या मछलियों के नीचे जुड़ा हुआ पाया जाता है जो कि उससे ब्लड सक करेगा। और फिश भी कौन सी होती है इसके अंदर, बॉनी फिश, अस्थिल मछलियां, अस्थिर मछलियों के इसके अंदर वेंट्रल जो पार्ट होता है नीचे वाला पार्ट उससे जुड़ता है, तो वेंट्रल पार्ट या बॉनिफिस जो होता है उसके नीचे वाले पार्ट से जुड़ेगा, कॉटिलेज फिश इसके अंदर कह सकते हैं उससे नहीं जुड़ता, ज्यादातर जो होती है वो बॉनिफिस होती है, जैसे लैबियो इसके अंदर वह इसके अंदर आपके स्पॉटिंग में भी पड़ेंगे वापस, कॉटिलेज और बॉनिफिस में क्या डिफरेंस होता है, तो बॉनिफिस इसका एग्जाम्पल है लैबियो रोहिता, तो जो बॉनिफिस होता है उससे इसके अंदर कह सकते हैं नीचे वाले भाग से जुड़ता है, और वह इसके अंदर कह सकते हैं जो सकर युक्त इसके अंदर या सक्टोरियल इसके अंदर जो बकल फनल होता है उसके द्वारा जुड़ेगा, और बकल फनल से जब जुड़ता है तो बकल फनल जो इसके अंदर इसमें फिम्ब्री पाए जाते हैं जो कि उसको इसके अंदर अटैच होने या जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद इसकी जो रास्पिंग इसके अंदर कह सकते हैं जो टंग होती है, जो जीभ होती है जिस पर नुकीले दांत पाए जाते हैं उसके द्वारा इसकी त्वचा को हटाया जाता है, और इसके मछलियों की त्वचा को हटाकर इसके अंदर कह सकते हैं जो टिश्यू होते हैं उनको भी इसके अंदर कह सकते हैं उधेड़ा जाता है, तो या इसके अंदर कह सकते हैं उन नुकीले दांतों के द्वारा, तो जब इसके अंदर कह सकते हैं टिश्यू इसके अंदर हट जाएंगे उस समय इसके अंदर कह सकते हैं टिश्यू हटने के कारण फिर अब सैलाइवा में जो पाया जाने वाला एंटी जो कॉगुलेंट होता है जिसको प्रतिस्कंदक कहा जाता है वह इसके अंदर उस इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर टिश्यू या इसके अंदर त्वचा को जहां पर हटाया गया था जहां पर वाउंड या घाव हो चुका है उस पर इसके अंदर कह सकते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ जो कि सैलाइवा में पाया जाता है उसको इसके अंदर वाउंड में डाला जाता है और इसके अंदर कंटिन्यूसली इसके अंदर कह सकते हैं वहां से ब्लड सक करना स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं इसकी जो हैबिटेट होती है या जो इसके अंदर कह सकते हैं जो आवास होता है स्वभाव जो होता है वह स्वभाव इसके अंदर जो होती है वह सैंगिवोरस प्रकार का होता है, ब्लड को सक करने वाला एनिमल जिसको कि इसके अंदर पेट्रोमाइसोन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ इसलिए सीक्रेट किया जाता है कि ब्लड को लगातार इसके अंदर सक किया जा सकता है, ब्लड या रक्त का कहीं भी थक्का या क्लॉट नहीं बने इसके लिए। नेक्स्ट इसके अंदर है एमओसी क्लार, नेक्स्ट टॉपिक है आपके एमोसिट लार्वा जो कि पेट्रोमाइसोन का लार्वा है। पेट्रोमाइसोन का लार्वा है और आपको इसके स्वभाव के बारे में आवास के बारे में जब बताया गया था तो स्वभाव में इसके अंदर ये सैंगिवोरस जो होता है एनिमल होता है पेट्रोमाइसोन सैंगिवोरस होता है और आवास जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं समुद्री और स्वच्छ जल दोनों में पाया जाता है, सी वाटर में भी पाया जाता है और इसके अंदर यह फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। और आपको बताया गया था इसके अंदर हैबिटेट में कि पेट्रोमाइसोन जो होता है
जो इसके अंदर इसका लार्वा एमोसिड लार्वा होता है। तो पेट्रोमाइजा जो एनिमल होता है वह इसके अंदर स्पाउनिंग के लिए इसके अंदर कहां पर जाता है, रिवर या नदियों में जाता है। वहां पर इसके अंदर यह इकट्ठा करता है इसके अंदर अपने एग्स, फीमेल है तो एग और इसके अंदर कह सकते हैं मेल है तो स्पर्म को इकट्ठा करती है। तो जो प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है इसमें पेट्रोमाइजोन जो है रिवर में जाते हैं जब ब्रीडिंग सीजन होती है, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं लैंगिक रूप से बहुत ज्यादा परिपक्व होते हैं, जो कि सीजन इसके अंदर कह सकते हैं जब इसके अंदर समर स्टार्ट हो रहा होता है या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं स्प्रिंग या बसंत ऋतु कहा जाता है, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं ये क्रिया होती है। उस समय इसके अंदर कह सकते हैं जब रिवर या नदियों में जाते हैं, तो रिवर या नदियों में जब भी जाएंगे तो वहां पर इसके अंदर स्पाउनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वहां पर जब जाते हैं तो पहले इसके अंदर कार्य ये करता है कि मेल इसके अंदर वहां पर नेस्ट या घोंसला बनाता है, स्टोन के द्वारा या पत्थरों के द्वारा इसका नेस्ट या घोंसला बनाता है। फीमेल वहां पर आती है और मेल और फीमेल फिर दोनों इसके अंदर कह सकते हैं अपने इसके अंदर गैमेट जो होते हैं स्पर्म और ओवम को इसके अंदर वहां पर डिपोजिट करते हैं, रिलीज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और एक बार इसके अंदर कह सकते हैं ये डिपोजिशन या स्पाउनिंग होने के बाद में दोनों जो मैच्योर होते हैं जो एडल्ट होते हैं मेल और फीमेल की डेथ हो जाती है। इसमें पेट्रोमाइजोन जो एनिमल होता है स्पाउनिंग के बाद में दोनों की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में लार्वा बनता है। उसमें पहले